क्या क्या हुआ, कैसा कैसा हुआ अंदर? सब बेकार है। चार हमारे ग्रुप में चार बस, यहाँ पैसे के लिए नहीं आते बच्चे यहाँ पे। नहीं चाहिए पैसा, मैं अभी डॉक्टर सुभाष चंद्र एसएल ग्रुप के चेयरमैन है, जी मीडिया का मालिक है, उनका असिस्टेंट दिल्ली वहाँ से छोड़ के आ रखा हूँ। जी तो जानते होंगे उनको, उनके साथ बैठते हैं, खाते पीते हैं, राजनाथ सिंह जानते हैं। आपके पास एक लड़का आया था, वो बोल ही रहा था कि ऐसे ऐसे हुआ, कल एक वीडियो देख रहे थे हम आपके रूम पे बैठ। अब हमें मिल गए एक बच्चे जिनका मेडिकल जो है कल है, तो जानते हैं उनसे दौड़ के बाद क्या क्या होता है। हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज जो है हम नॉर्मल टॉपिक्स कवर नहीं करने वाले हैं, तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। काफी सारे कमेंट्स मुझे आ रहे थे कि भैया आप उनका भी वीडियो बनाओ जो बच्चे उसमें क्लियर हुए हैं, और उन बच्चों से जाना है कि जो आगे आने वाले बच्चे हैं उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा और खूब शेयर करिएगा, इस चैनल को खूब लाइक करिएगा ताकि ऐसा कॉन्टेंट आपको आगे मिलता रहे। आज जो है पौड़ी और टिहरी जनपद की भर्ती है। 5-15। अच्छा 5-15 दे रहे हैं, और कितने बैच में कितने बच्चे दौड़ रहे हैं? 300-350। और कितने ले रहे हैं? 10-15 ले रहे हैं, ज्यादा नहीं। अभी भी 10-15 ले रहे हैं? हाँ। तक तो 20-30 बच्चे बता रहे थे वो। चलो मोहित बेस्ट ऑफ लक यार, अभी इस बार नहीं हुआ, नेक्स्ट टाइम ट्राई करना, ठीक है? अब नहीं करेंगे ट्राई। हो गया तुम्हारा भर्ती का, एज पूरी हो गई है? एज पूरी नहीं, अब नहीं, अब ये सीन नहीं है। 4 साल, एक तो इन्होंने 4 साल कर रखा और मेरा दिमाग भी खराब हो रखा। आधे से ज्यादा बच्चे जो है इस चीज पे हताश हो गए। भर्ती तो ठीक थी पर हमारा लास्ट ग्रुप बेकार गया, कम बंदे लिए ना 20 तक। 20 ठीक है यार, इतना पहले जो है ना बहुत कर रहे थे। मेरे को आगे नहीं जाने दिया, फिर मैं क्या करता, फिर मैं पीछे ही रह गया। धक्का मुक्की बहुत ज्यादा बोले तो बहुत ज्यादा, हमारे बेज में ज्यादा से ज्यादा बहुत कम निकालेंगे। तो वापस वही चीजें जो है सुनने में आ रही है कि कम बच्चे जो है लिए जा रहे हैं। चलिए देखते हैं एक आध और बच्चे से बात करके देखते हैं। अच्छा इधर आओ जरा, तुम इधर आओ, इधर आओ उधर। जो बच्चे बोल रहे थे ना कमेंट करके कि क्या बोलते हैं, किसी ग्रुप से 300 दौड़ा के 3 बच्चे और 4 बच्चे नहीं लिए, ये भाई सामने है जो लगा के आ रहे हैं दौड़, ये बताएंगे आपको। हाँ जी। कितने बच्चे लिए भाई आपके बैच से? 4। और कितने दौड़ा है? 300। कृपया कमेंट करके ये ना कहें कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि ऐसा हो रहा है। कैसी कैसी रही लड़कों भर्ती? भाई ऐसा मत पूछो कैसी रही। क्या क्या किस चीज के लिए बुरा लग रहा है? 8 बंदे ले रहे हैं एक ग्रुप में तो भाई। अच्छा फिर से 8 बंदे ले रहे हैं? हमको 11 बजे दौड़ाया गया अभी। अच्छा अभी पहले सुबह सुबह लिए होंगे उन्हें 6-25 बंदे तक, अभी तो उन्होंने 8-9-10 इतने लिए बस। भाई 4-40 वाला था, इसका पैर गिर गया, गिर गया ये। क्या हुआ, चोट वोट लग गई क्या? इसके पैर में कहाँ लग गई? कैसे गिर गया? मैं थोड़ा रह रखा था, 100 मीटर गिर गया। मैंने पहले राउंड में जान लगा दी थी, पूरे 3 राउंड 2.5 चक्कर मैंने जान लगा के मारी, फिर उसके बाद मैंने 14 चक्कर में जान लगाई, फिर मेरे पाँव मुड़ गया, मैं गिर गया, उसके बाद उठ नहीं पाया। अच्छा सबसे पहले ये हाइट होती है? हाँ, सही है। फिर हाइट के बाद क्या होता है? हाइट के बाद डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं, आप एडमिट कार्ड वगैरह चेक होते हैं, बैग में कैसे दवाई वगैरह इंजेक्शन वगैरह ना लाए कोई, तो वो चेकिंग होती है। तो उसके बाद हमको नीचे बिठाया जाता है, फिर 1-2 घंटे बाद वहाँ ग्रुप बंटने लग जाते हैं। अभी बता भी रहे तो इस बार तो पता भी नहीं चल रहा क्या हो रहा है। पिछली बार मैंने 2020 में कर्नल विनीत वाजपेयी साहब के नेतृत्व में भर्ती मारी थी, उस वक्त हमारे CDS जनरल बिपिन रावत थे, आज वो नहीं है, तो युवाओं के साथ बहुत ही बेकार हो रहा है। काफी सारे युवा इस चीज को कह रहे हैं। मैं भाई साहब खुद बताऊँ तो लोग कहेंगे की तैयारी नहीं कर रहे, इतनी तैयारी करें बताओ। अरे गाली ना दें, क्या ना दें, वो तुम्हारी बात सही है, लेकिन पता है हाँ हाँ मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी बात को। युवा बाहर नाले में लेटे हुए हैं, ऐसे में कैसे चलेगा यार? वीर के नाम पे धोखा कर दिया, फौज को भी ये लोग सरकार निकम्मा बना के छोड़ेगी, ठीक है? अब युवाओं का जो फौज के प्रति जो रुझान था, जो रिस्पेक्ट था, जो मतलब जुनून था, वो खत्म हो गया, सबके अंदर खत्म हो गया। ऐसे में तो मुझे नहीं लगता कोई युवा अब तैयारी करेगा। क्यों अभी सारे कह रहे हैं कि अब नहीं आएंगे, कोई भी नहीं आएगा, क्यों आएगा? हमें 25,000 भी नहीं देते, 10,000 हम फ्री में भी कर लेते। अरे जब बोला था कि देश सेवा करने का मौका दिया जा रहा, क्यों नहीं दे रहे हो? बहुत अच्छी बात कही भाई ने, पैसे के लिए नहीं आते बच्चे यहाँ पे। नहीं चाहिए पैसा, मैं अभी डॉक्टर सुभाष चंद्र एसएल ग्रुप के चेयरमैन है, जी मीडिया का मालिक है, उनका असिस्टेंट दिल्ली वहाँ से छोड़ के आ रखा हूँ। फिर बताओ, ये जुनून है जी, तो जानते होंगे उनको, उनके साथ बैठते हैं, खाते पीते हैं, राजनाथ सिंह जानते हैं, डॉक्टर सुभाष चंद्र एसएल विशाल समूह एसएल ग्रुप के चेयरमैन है। ऐसे में बताओ कैसे चलेगा? तो बरसात में भर्ती करवाई जा रही है, कहीं बादल फट रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, यहाँ पूरा बरसात में सुबह 4 बजे मूसलाधार बारिश हो रही है, उसके बाद युवाओं को दौड़ाया जा रहा है। ऐसे में कैसे में युवा निकालेंगे दौड़? कभी बारिश हो रही है, बारिश में सब ये समझ लो कि बस पूरा कांग्रेस हिस्सा ही थी, बस कुल मिला के बात है कांग्रेस के, उसमें जो भी है कांग्रेसी सरकार आनी चाहिए, बीजेपी सरकार एकदम निकम्मी सरकार है। तो अब सरकारों पर तो मैं बात नहीं करूँगा, क्योंकि उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है सरकारों से, मेरा तो खाली बस बच्चों के साथ जो हो रहा है वो दिखाना मेरा काम है और वही मैं कर रहा हूँ। ये जरा एक मिनट दोबारा से समझाना इसको सही से कि जो आप बोलो, क्योंकि मैं भी इसमें कंफ्यूज हूँ थोड़ा सा। देखो जो सबसे पहले इधर लाइन में लग जाता है तो उसके लिए तो 400 मीटर पड़ता है। अच्छा, फिर इधर जो लाइन वाइज भेज रहे हैं तो इस तरीके से लगते हैं ऐसे ऐसे करके। हाँ, तो मेरे को उन बंदों को काटने के लिए कम से कम 700 मीटर तक दौड़ना पड़ रहा है। हाँ जी, गोल चक्कर में एक चक्कर आधा चक्कर में कम से कम 700 मीटर तक दौड़ा होगा। इसमें बंदा क्या करेगा, और इतने धूप हो रखा है, इतनी देर से बैठे हुए हैं, पानी नहीं पीने दे रहे हैं, और बताओ क्या करेगा बंदे।
लेकिन जो निकल गए उनके लिए सही है। कुल मिला के बात ये है कि हमारी उतनी मेहनत नहीं थी होगी तो हम नहीं निकले भाई। राजेंद्र यार भाई मायूस मत होना, आगे जो है मेहनत करते रहो। लास्ट भर्ती थी भाई यार इस बार। नहीं नहीं यार देखो मेहनत सिर्फ भर्तियों में नहीं होती है मेरे भाई, मेहनत जीवन में किसी भी क्षेत्र में कर सकते हो। सही बात है, सही बात है, बिल्कुल। ऐसे हताश मत हो कि बस आर्मी में नहीं हुआ तो कुछ नहीं होगा। कोई दिक्कत नहीं, कहीं ना कहीं कर लेंगे, ऐसा पहाड़ी चीते हैं, हार थोड़ा ना मानेंगे। ये बात बोली भाई ने एकदम सही। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम भैया देशराज है। देशराज कहाँ से हैं आप? मैं कैंपटी फॉल से हूँ। कैंपटी फॉल से कल है आपकी भर्ती है ना? कल मतलब कि 1 बजे से बैठना है हमें। हाँ, आज रात से। अच्छा। हाँ। अरे हमने जब उत्तरकाशी वालों की भर्ती देखी हम तो एक बार डर गए थे जब उन्होंने बोला कि 10 बच्चे निकाल रहे हैं। मैंने कहा 10 बच्चे निकाल रहे हैं? अच्छे अच्छे लड़के थे जो बहुत तगड़े हमसे भी भागते थे, उबरे हमारी रेस नहीं निकली। मैंने कहा तू कैसे नहीं निकला यार? घबराना मत, मनोबल मत तोड़ना। और जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन सारे बच्चे जो अब आने वाले हैं अगले 2-3 दिनों में, उनको भी मेरा यही मैसेज रहेगा कि यार हिम्मत मत तोड़ना अपना, जो पिछला हो चुका है जैसा हो गया है उससे डरने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ने की जरूरत है। एक लड़का आया था हमारे पास, मतलब कि एक आपके पास एक लड़का आया था, वो बोल ही रहा था कि ऐसे ऐसे हुआ, कल एक वीडियो देख रहे थे हम आपके रूम पे बैठ के, वही देख रहे थे। थैंक यू। वेलकम भैया। देखो यार मेरा ना इन वीडियोस को बनाने का जो मेन मोटिव है ना वो यही है कि जो बंदे आ रहे हैं ना उन बंदों को मतलब पता लगे कि यार क्या एक्चुअली हो रहा है यहाँ पे। पर इस मेरा ये बिल्कुल भी मोटिव नहीं है कि उनका मनोबल टूटे, लेकिन हाँ ये है कि वो स्थिति के लिए, वो जो परिस्थितियाँ हैं उसके लिए तैयार हो जाएं, समझ रहे हो? अभी एकदम से आप जैसे बाहर से आए और आपको यहाँ पे पता नहीं है कि क्या हो रहा है और यहाँ पे एकदम से पता लगा कि यार बच्चे तो ले ही नहीं रहे, तब तक बहुत देर हो जाती है। गरीब फैमिली से हम भी, खर्चा भी देखना पड़ता है, हर चीज़ देखना। हम सारे मिडिल क्लास फैमिली से हैं यार, हम सबको पैसे की जो कीमत है वो समझ आती है भाई। आगे कल के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से सबको, अच्छे से आप दौड़ वगैरह निकालना, अच्छा करना। देखिए कहाँ कहाँ चढ़ चढ़ के जाना पड़ता है ताकि आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा सके। अब हमें मिल गए हैं एक बच्चे जिनका मेडिकल जो है कल है, बाकी प्रक्रिया वो पूरी कर चुके हैं, तो जानते हैं उनसे दौड़ के बाद क्या क्या होता है। अमित सिंह कहाँ से हैं आप? पौड़ी गढ़वाल से। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाइयां हो आपकी रेस वगैरह ये सब निकालने के लिए, भगवान करे आपका मेडिकल रिटर्न भी जल्दी क्लियर हो जाए और आप अग्निवीर बन जाओ। यार अमित हमें सबसे पहले तो आप ये बताओ कि सबसे पहले क्या होता है? जैसे आप मतलब अंदर गए दौड़ के बाद तो वहाँ आपको बैठाया जाएगा जैसे करके, फिर आपको वहाँ मतलब ये नंबर मिलेगा आपको वहाँ। उसके बाद हम जाएंगे चिन अप मारने, पहले एक जैसे लकड़ी टाइप का रहेगा उसमें चढ़ना है, उधर 9 फीट का एक गड्ढा रहेगा को पार करना है। उसके बाद आपको चिन अप मारे जाएंगे जिसे वो बोलते हैं भीम, 10 भीम चाहिए, क्वालिफाई के लिए 6 चाहिए। और उसके बाद आपको यहाँ मतलब छाती छूती नापने के लिए ले जाएंगे। एक मुझे कमेंट आया था कि वो पूछ रहे हैं कि नॉर्मल छाती और फुला के छाती कितना है, मतलब 77 नॉर्मल चाहिए और 5 सेंटीमीटर फुलना चाहिए मतलब। और उसके बाद फिर क्या होता है? उसके बाद बस ऐसे डॉक्यूमेंट जमा होंगे। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या जमा होता है? दो फोटोकॉपी सबकी होनी चाहिए, जैसे 10 की फोटोकॉपी, 12 की फोटोकॉपी पूरा। और उसके बाद होगा तुम्हारा ये स्थायी निवास जिसे मूल निवास कहते हैं, जैसे जिसका ओबीसी होगा ओबीसी लगाएगा, जिसका सामान्य जाति होगा वो लगाएगा। उसके बाद आधार कार्ड होगा और वहाँ एक फॉर्म मिलेगा आपको, उसे भरना है। एफिडेविट भी लग रहा है ना? एफिडेविट लग रहा है लास्ट, वहाँ एफिडेविट भी लग रहा है। और जिसका मतलब ये है जैसे कोई है ना मतलब उसके रिलेशन में तो वो भी लग सकता है, कोई मतलब जैसे एक्समैन हो, खेल कूद होगा जिसका, वो भी लग सकते हैं डॉक्यूमेंट। मैंने ये भी सुना कि यार जो ये हाइट के लिए रिलैक्सेशन के लिए पर्वतीय का एक वो बनता है वो नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। वो नहीं ले रहे हैं। हाँ, वो नहीं ले रहे हैं बच्चों, ये ध्यान में रखना कि पर्वतीय नहीं लग रहा है। दूसरे कमेंट जो बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं वो ये पूछे जा रहे हैं कि ओपन बोर्ड को ले रहे हैं कि नहीं ले रहे, तो वो भी भैया बताएंगे। तो नहीं चल रहा ओपन, नहीं चल रहा कि ओपन बोर्ड नहीं जो है एक्सेप्टेड है। अगर आप ओपन बोर्ड से हैं तो कृपया अपना समय वेस्ट ना करिएगा यहाँ पे आके। और जिसने माला फेक कागज बनाए वो भी, तो ये पकड़ में आए हैं बच्चे? आ रहे हैं पकड़ में, जैसे कोई इंजेक्शन ले जा रहा है, कोई गांजा ले जा रहा है। बिल्कुल यार ये गलत चीज है भाई, अंदर अगर तुम ऐसे करोगे ना, देखो तुम अपने साथ साथ ना और भाइयों को भी बदनाम कर रहे हो तो, ये करके पूरा बैच खराब हो जाए फिर इसके कारण। और इसी चीज में फिर फौजी भी गुस्सा हो जाते हैं, ये सबके सब ऐसे ही होंगे। हाँ। ये काम मत करो यार, करने हैं ये सब बाहर करो, भर्ती के लिए मत आओ फिर। पर दूसरे बच्चे जो मेहनत करके आ रहे हैं ना उनको मत, उनकी मेहनत मत आप बर्बाद करो। जी सर मैं कहना चाहता हूँ मतलब 2 राउंड पहले ऐसे देखो कि मतलब आगे बंदे कितने हैं, 2 राउंड ऐसे दौड़ मतलब नॉर्मल मतलब ज्यादा फास्ट नहीं, क्योंकि आज बाद में थक जाते हैं बंदे। दो दौड़ तो ऐसे मारो आराम से और दो फिर दो लास्ट में बहुत तेज खींचना। ये बहुत अच्छी चीज बोली शुरू में अमित जी ने कि जो है पहले 2 राउंड हल्के हल्के ऑब्जर्व करके दौड़ो आराम से, बिल्कुल मतलब हाँ मतलब स्टेमिना रखो पर ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत, फिर लास्ट के मार दो तुम सूत, बहुत लास्ट के शूट कर दो एकदम। बाकी अमित जी आपको बहुत बहुत बधाई है, शुभकामनाएं आपके लिए आगे, ऑल द बेस्ट यार। बहुत जल्दी आप जो है भर्ती हो जाओ और अग्निवीर बन जाओ, और अग्निवीर बनने के बाद भी खूब देश का नाम रोशन करो। ठीक है अमित, थैंक यू आपकी मदद के लिए। जो बच्चे बेचारे इतने दिनों से परेशान हो रहे थे, कम से कम आप उनको जो है थोड़ा सा एक आइडिया हो जाएगा कि अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है, उन चीज़ों की जरूरत है। अच्छा ये बड़े भाई हैं, आपको भी बधाई हो, आपको भी बधाई हो।
बाकी सर मैं कहना चाहता हूँ, मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि उसने अपनी इसकी फर्स्ट भर्ती थी, तो फर्स्ट भर्ती इसने अपनी निकाली, अच्छा रहा। कल मॉर्निंग 5 बजे से मेडिकल है इसका। अच्छा, कल सुबह मॉर्निंग 5 बजे से मेडिकल शुरू हो जाएगा पौड़ी वालों का मेडिकल 5 बजे से। हाँ, जो मतलब कल निकला होगा पौड़ी से, उनका मेडिकल मतलब 26 तारीख को 5 बजे मॉर्निंग में होगा। ये भी क्रिटिकल पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन है। ये तो बहुत अच्छा लगा, मेरा भाई का फर्स्ट भर्ती था और उसने क्लियर करा। अब देखते हैं मेडिकल में क्या होता है। क्यों नहीं होगा यार, मेडिकल में भी आप समझोगी लड़का हमारा अमित चीता है, निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चीता तो शुरू से इसने मेहनत कर रखी, तो अभी ज्यादा नहीं, 1 साल की मेहनत है सर इसकी, उसकी मेहनत रंग लाई। और एक बात ये भी कहना चाहता हूँ मैं यार, पौड़ी वाले मतलब जो भी है वो गोल्डन वगैरह 27 नंबर की वीडियो वगैरह ये मत ले जाए यार वहाँ पे, क्योंकि पकड़े जा रहे हैं वहाँ पे तो उनको सीधा पार कर दे रहे हैं। किसी का मतलब जो डॉक्यूमेंट वगैरह अपना प्रॉपर लाए। चलिए, देखा हमने अमित जी से बात करी, उन्होंने बताया हमें कि क्या क्या चीज़ों की थी। आशा करता हूं कि आपके सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल गया होगा। अब जो है इस वीडियो को यहीं खत्म करेंगे, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ख्याल रखिए अपना। और कोई अगर आपके सवाल होंगे तो प्लीज आप उसको जो है कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को जितना हो सके इतना लाइक करिए और शेयर करिए ताकि ये मुद्दा लोगों तक पहुंचे, और चैनल को मेरे सब्सक्राइब करिए ताकि मैं ऐसा कॉन्टेंट आपके लिए बनाता ही रहूं।